हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे 2020 महिंद्रा थार के बारे में। तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी तो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे एसयूवीज बनाती है और बहुत ही पॉपुलर है। और इनकी एसयूवीज जैसे कि हम थार बोल सकते हैं, बोलेरो, स्कॉर्पियो, ये सब फेमस एसयूवीज हैं। इंडिया में बहुत सारी सेल्स होती है इन गाड़ियों की। और इन्होंने अभी रिसेंटली थार का भी जो नया मॉडल है 2020 में लॉन्च किया है दोस्तों, 15 अगस्त को। तो दोस्तों, ये 15 अगस्त को लॉन्च हुआ है और 2 अक्टूबर से इसकी जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस व्लॉग में हम गाड़ी के बारे में बात करेंगे। ये थार जो है 2020 वाली नई थार, उसमें क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, किस प्रकार है गाड़ी, क्या कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, ये सब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, थार की कुछ बेसिक इन्फो मैं आपको पहले बता दूं कि महिंद्रा की पहले जो MM540 बोल के एक जीप आती थी, उसको रिप्लेस कर दिया था थार ने। दोस्तों, थार का जो पहला वर्जन आया था वो 4 अक्टूबर 2010 में हुआ था। तो 2010 में गाड़ी लॉन्च हुई थी थार, और बाद में इसका सेकेंड जनरेशन भी लॉन्च हुआ था रिसेंटली, मतलब उसका फेसलिफ्ट आया था, जिसमें उन्होंने थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स दिए थे और टैकोमीटर वगैरह जो होता है गाड़ी का, मतलब पूरा ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डैशबोर्ड वगैरह चेंज कर दिया था। और अभी जो नई गाड़ी आई है दोस्तों, उसके बारे में हम इस लोग में बात करेंगे। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों, जो नई आई है गाड़ी, इसको बहुत महीनों से लोग टेस्टिंग करते समय देख रहे हैं, मतलब रोड पर ये गाड़ी बहुत अलग अलग जगह पर देखी जा रही थी, और फाइनली 15 अगस्त को गाड़ी लॉन्च हो गई। और दोस्तों, पहले की जो थार है उसके मुकाबले ये गाड़ी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलेगी, और बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि ABS, EBD, ESP, ड्यूअल एयरबैग्स, ये भी मिलते हैं। और दोस्तों, इस गाड़ी में आपको मल्टीपल रूफ ऑप्शंस भी है, जैसे कि आपको फिक्स सॉफ्ट टॉप मिलता है, कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप मिलता है, मतलब जो सॉफ्ट टॉप होता है उसको बाद में आप हार्ड टॉप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और थर्ड जो मिलता है वो है हार्ड टॉप। तो आपको कौन सा वेरिएंट सही है वो आपके हिसाब से ले सकते हैं। बात करें इंजन ऑप्शंस की, तो दोस्तों इसमें आपको दो इंजन मिलते हैं, पेट्रोल भी मिलता है और डीजल इंजन भी मिलता है। पेट्रोल इंजन की बात करें दोस्तों, तो आपको 2 लीटर यानी 1997 सीसी का M-Stallion टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी हम बात करें मैक्सिमम पावर की, तो आपको 150 bhp @5000 rpm ये मैक्सिमम पावर मिलती है। और बात करें टॉर्क की, तो आपको 320 न्यूटन मीटर @1500 से लेकर 3000 rpm ये आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाता है। बात करें दोस्तों सेकेंड इंजन ऑप्शन की, तो आपको डीजल इंजन मिलता है जो 2.2 लीटर यानी 2184 सीसी का M-Hawk डीजल इंजन मिलता है, जिसकी हम बात करें मैक्सिमम पावर की, तो आपको 130 bhp @3750 rpm मिलती है। और बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, तो आपको 300 न्यूटन मीटर @1600 से लेकर 2800 rpm तक मिल जाते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको दो ट्रांसमिशन मिलते हैं अलग अलग। एक है, पहला वाला जो है वो है 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विद शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 मैनुअल ट्रांसफर केस, और सेकेंड गियर ऑप्शन है दोस्तों वो है 6-speed टॉर्क कन्वर्टर AMT विद शिफ्ट ऑन फ्लाई 4x4 मैनुअल ट्रांसफर केस। तो बात करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर की दोस्तों, तो आगे से अगर आप देखो तो आपको ये देखिए, आप ग्रिल्स देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रिल्ड दोस्तों, जैसे पहले वाली थार्को वगैरह थी, जिप्स में वगैरह होती थी महिंद्रा की, उसी तरह की है, लेकिन दोस्तों रीडिजाइन की है और बहुत ही अच्छी दिखती है दोस्तों। ये जो थार है दोस्तों, ये रग्ड एसयूवी है, तो आपको बहुत ही अच्छा एक लुक ये दे देती है। बात करें इसके बम्पर की, तो बम्पर का डिजाइन भी चेंज कर दिया है और महिंद्रा का आपको इस पर लोगो भी मिलता है। हेडलाइट की बात करें तो दोस्तों, आपको राउंड में जैसे पहले वाली थार में थी वैसी तरह की आपको हेलोजन में लाइट्स मिलती है दोस्तों। और जो साइड फेंडर है दोस्तों, उस पर आप देखो तो आपको DRL मतलब डे टाइम रनिंग लाइट, और उसके नीचे ही आपको साइड लाइट मतलब टर्न लाइट के इंडिकेटर्स मिल जाती है। और दोस्तों, ये गाड़ी में आपको बम्पर पे फोग लाइट्स भी मिलेंगे, देख सकते हैं आप किस तरह से, तो ये भी अच्छा मिलता है। और सीएट के 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे दोस्तों, ये भी महिंद्रा के हैं और देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, टेल लाइट की बात करें तो आपको पूरी LED में टेल लाइट मिलती है, और दोस्तों इसमें थार का लोगो भी है, तो बहुत ही अच्छा दिखता है लोगो भी। और दोस्तों, ये गाड़ी की और एक बात मुझे अच्छी लगी, वो ये है दोस्तों कि ये गाड़ी में आपको जो स्पेयर व्हील है, मतलब आपकी स्टेपनी होती है, वो भी आपको एलॉय व्हील्स में मिल जाती है। और दोस्तों, ORVM की बात करें तो आप देख सकते हैं थार की ब्रांडिंग है, तो ये भी अच्छा दिखता है। और दोस्तों, गाड़ी में बैक सेंसर्स भी आपको कंपनी से मिल जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छा रहेगा पार्किंग के समय। और दोस्तों, साइड फेंडर पर आपको थार की क्रोम में लोगो भी मिल जाएगी, तो बहुत ही अच्छी दिखती है ओवरऑल गाड़ी। देखे तो हम दोस्तों, पूरा डिजाइन चेंज कर दिया है, पहले वाली थार और ये गाड़ी अगर आप कंपेयर करो तो आपको ये गाड़ी सच में बहुत ही पसंद आएगी। तो एक्सटीरियर की तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे इंटीरियर के बारे में। उसके पहले मैं आपको गाड़ी की कीज दिखा रहता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको फ्लिप की मिलती है गाड़ी की, जिसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग के फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और दोस्तों, 2020 नई थार का जो इंटीरियर है वो आपको IP54 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिलता है, तो ऑफ रोडिंग के दौरान वगैरह गाड़ी गंदी हुई तो आपको डरने की बात नहीं, पूरी गाड़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो बात करेंगे डैशबोर्ड की, तो आपको सिंगल टोन में डैशबोर्ड मिलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रीमियम और कंफर्ट फील होता है गाड़ी में, और एक फ्रेश इंटीरियर लगता है गाड़ी में, मतलब पहले का अगर आप थार देखो तो उतना भी अच्छा नहीं था, पर ये गाड़ी का आपको डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा लगेगा। बात करें स्टेयरिंग की, तो आपको 3 स्पोक में मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग मिल जाता है, और स्टेयरिंग को आप
अप और डाउन भी कर सकते हैं, तो ये भी एडजस्टमेंट ही है दोस्तों। और स्टेयरिंग की बात करें तो आपको दोनों साइड में कंट्रोल्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड में जो है दोस्तों वो एंटरटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स है, जैसे कि आप म्यूजिक वगैरह चेंज करते हो, आप मोड चेंज करते हो, वो सब आपको मिलता है। और राइट साइड में बात करें तो गाड़ी में दोस्तों क्रूज कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। और दोस्तों पियानो ब्लैक एंड फॉक्स कार्बन फाइबर में आपको एसी वेंट्स वगैरह वो सब पार्ट मिल जाता है। और डैशबोर्ड पर दोस्तों ग्रैप हैंडल भी मिलता है, मतलब जो को पैसेंजर बैठता है उसके लिए। और दोस्तों एक अच्छी से क्लासिक प्लेट मिल जाती है जिस पर गाड़ी का चेसिस सीरियल नंबर लिखा होता है। और दोस्तों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए LCD स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एनालॉग डायल्स होता है, मतलब टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के लिए। और दोस्तों एंटरटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको 7-inch टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो ये भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी दोस्तों इन्होंने एंटरटेनमेंट सिस्टम दी है ये गाड़ी में। और दोस्तों इस एंटरटेनमेंट सिस्टम में आपको और भी एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि कंपास, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जी मीटर, पिच, व्हील एंगल और एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, आपका ये सब आपको मिल जाता है। और दोस्तों महिंद्रा का जो ब्लू सेंस ऐप है उसके जरिए आप स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको कनेक्टिविटी मिलती है। और एंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जो है वो सब आपको एयर कंडीशनिंग और डिफोगिंग के सब कंट्रोल्स मिल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके नीचे आपको एयरक्राफ्ट टाइप टॉगल स्विचेस मिलते हैं, इसमें आपको हजार ट्रेंगल, एयरबैग स्विच और कुछ फंक्शंस वगैरह मिल जाते हैं। और इस गाड़ी में आपको दो USB पोर्ट्स मिलेंगे, ऑक्स केबल भी आप लगा सकते हो, 12 वोल्ट का DC चार्जिंग सॉकेट मिलेगा और थोड़ी सी स्टोरेज मिलेगी जहाँ पर आप फोन वगैरह आपका रख सकते हैं। हील स्टार्ट स्टॉप और ट्रैक्शन कंट्रोल के भी स्विचेस है यहाँ पर, जो राइट साइड का जो AC वेंट है उसके नीचे दिए गए हैं। और दोस्तों पावर विंडो कंट्रोल्स की बात करें तो आपको आगे वाले जो दोनों दरवाजे उसके पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है वो आपको दोनों जो आगे वाली सीट है उसके बीच में मिल जाता है। ये इसलिए दोस्तों कि जैसे कि आपको पता है कि ये गाड़ी का जो रूफ पैनल है ये आप खोल सकते हो, उसी तरह ये गाड़ी के आप दरवाजे भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने जो पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो दरवाजे पर नहीं दिए, उसके बदले उन्होंने जो दोनों सीट से आगे वाली उसके बीच में दिए गए। और उसमें आपको रूफ माउंटेड स्पीकर्स भी मिल जाता है दोस्तों, तो ये भी अच्छा है, पहले की कार में ऐसा नहीं था। और ड्राइवर सीट की बात करें दोस्तों तो हाइट एडजस्टमेंट है, इसके साथ आपको लंबर एडजस्टमेंट फंक्शन भी मिलता है। और जो फ्रंट वाले सीट है उसके बैकरेस्ट में आपको थार की ब्रांडिंग भी मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर पीछे के सीट पर जाना है तो इसके लिए आपको आगे का सीट जो है फोल्ड करना पड़ेगा, तो इसमें आपको वन टच टिप एंड स्लाइड मैकेनिज्म मिलता है, तो इससे आप सीट फोल्ड करके पीछे के रो में जा सकते हैं। और दोस्तों बैक सीट लेआउट की बात करें तो आपको दो लेआउट मिलते हैं, एक है कि 4-सीटर वेरिएंट जिसमें आपको पीछे दो सीट्स मिलते हैं जो फ्रंट फेसिंग में होते हैं, और दोस्तों दूसरा वेरिएंट है वो है 6-सीटर लेआउट। साइड फेसिंग होता है तो इस तरह से होता है 6-सीट लेआउट, तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो ओवरऑल आप देखिए दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर वगैरह बहुत ही अच्छा है, बहुत काम किया है और पूरा नया प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी बनाई गई है। दोस्तों पहले की थार के बारे में कुछ लोगों के ऐसे ही ख्याल थे कि अगर आपको ऑफ रोडिंग वगैरह करनी है तो ही आपको थार लेनी है, पर ये गाड़ी में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये गाड़ी में ऐसे सब लग्जरी और सब जो रिक्वायर्ड फीचर्स हम कह सकते हैं वो इस गाड़ी में दिए। तो दोस्तों ये गाड़ी खाली ऑफ रोडिंग के लिए ही है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ये गाड़ी आप नॉर्मल यूज़ के लिए, मतलब आपको अगर कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, तो भी आप ये गाड़ी से इजिली जा सकते हैं। तो गाड़ी को देख के ही आपको बाहर का एक्सटीरियर और इंटीरियर देख के पता चलेगा कि ये गाड़ी में सब नेसेसरी फीचर्स है, जैसे आपकी सेडान गाड़ी में या फिर आपकी हैचबैक गाड़ी में या फिर जो आजकल की जो SUVs होते हैं उसमें जो बेसिक होते हैं, मैं कहूँगा बेसिक मतलब जो आपको नेसेसरी मैं कहूँगा वो सब फीचर्स ही गाड़ी में दिए हैं, तो आप डेली यूज़ के लिए भी इस गाड़ी का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों कैबिन तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो इस कैबिन को मैं कहूँगा कि लग्जरी भी है, कम्फर्टेबल भी है, प्रीमियम और फुल्ली लोडेड विद ऑल नेसेसरी फीचर्स, तो ये मैं कहूँगा इस कैबिन को। बात करेंगे गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का 226 mm, तो बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, आपको रफ रोड में वगैरह ये गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे गाड़ी के डायमेंशंस के बारे में, तो लेंथ है गाड़ी की 3985 mm, वीथ है गाड़ी की 1855 mm और हाइट है गाड़ी की 1844 mm। और दोस्तों इस गाड़ी में आपको टोटल 5 वेरिएंट्स मिलेंगे, और इस गाड़ी का मैं आपको एक शोरूम प्राइस बता दूंगा। एक शोरूम प्राइस मतलब दोस्तों जो शोरूम वाला प्राइस होता है, उसके बाद जब आप रोड टैक्स पे करते हो, RTO को और इंश्योरेंस पे करते हो, तो गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को जब गाड़ी की बुकिंग स्टार्ट होगी उसके बाद आपको जो एग्जैक्ट प्राइस है वो पता चलेगा। अभी हमारे पास कुछ जानकारी है उसके ऊपर हम बेसिक जो प्राइस है वो बता देंगे। तो दोस्तों बात करें पेट्रोल वेरिएंट की, तो X वेरिएंट है जिसका प्राइस है आपको 9,45,000, और AX ऑप्शनल मिलता है दोस्तों उसका प्राइस है 10,29,000। और दोस्तों बात करें डीजल वेरिएंट की, तो AX डीजल ये वेरिएंट का प्राइस है 9,69,000 रुपीज़, AX ऑप्शनल डीजल इसका प्राइस है 10,49,000 रुपीज़, और LX डीजल इसका प्राइस है 11,29,000 रुपीज़। तो ये कुछ बेसिक प्राइस है, बाद में जब 2 अक्टूबर को गाड़ी लॉन्च होगी तो आपको एग्जैक्ट फाइनल प्राइस पता चल जाएगा। और दोस्तों इस गाड़ी में आपको 6 नए फ्रेश कलर्स मिलेंगे, जैसे कि रेड रेज, मिस्टिक कॉपर, गैलेक्सी ग्रे, नापोली ब्लैक, एक्वामरीन, रॉकी बीच, तो ये कुछ 6 कलर्स है दोस्तों।
तो दोस्तों हो सकता है कि इसके बाद जब गाड़ी को एक साल वगैरह कंप्लीट होगा और एनिवर्सरी एडिशन वगैरह आएगा तो और एडिशनल कलर्स वगैरह कुछ फीचर्स वगैरह आपको एडिशनल मिल सकते हैं, पर फिलहाल जो जानकारी है दोस्तों उससे आपको खाली ये 6 ही कलर्स मिलेंगे। और दोस्तों ये गाड़ी अभी तक गोवा के महिंद्रा शोरूम में नहीं पहुंची है, तो जब ये गाड़ी गोवा के शोरूम में पहुंच जाएगी तो मैं उधर जाके आपको रिव्यू भी कर दूंगा गाड़ी का और यूट्यूब पर अपलोड भी कर दूंगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हमने 2020 महिंद्रा थार के बारे में सब जानकारी आपको बताई, जैसे कि आपको इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह सब बता दिया। तो आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी मार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर दोस्तों ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूं जिसमें मैं कार्स और हेवी व्हीकल्स पे भी व्लॉग्स बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर मेरा बाकी का व्लॉग भी देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।